गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर एसएसटी बुक, नोटबुक एंड पेंसिल बॉक्स विथ यू। यस्टरडे वी वर रीडिंग चैप्टर नंबर 40, द स्काई। फर्स्ट वी विल रिकॉल द चैप्टर। व्हाट इज स्काई? वेयर इज स्काई? आई टोल्ड यू। यस, कम ऑन, टेल मी। द स्काई इज अबव अस। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? इट लुक्स ब्लू कलर ऑन अ क्लियर। We can see during the daytime, sun in the sky. At night, we can see stars, moon, in the sky. We also see birds, aeroplanes, helicopters, balloons in the sky. Now we will start our new topic, the sun. We see during the daytime, sun. We see sun during day. जब हम day होता है तो हम क्या देखते हैं sky में? Sun. Sun is a huge ball. Fire. Sun, सूर्य क्या है? आग का गोला है. हिंदी में उसको बोले आग का गोला है. Sun gives heat and light. द सन इज ऑल्सो स्टार। सन भी हमारा स्टार है बट फायर, बहुत गर्म होता है सूर्य। सूर्य से हम इतनी दूर हैं तब भी हमको सूर्य हीट एंड लाइट देता है। सोचिए अगर सूर्य के पास जाएंगे तो जल ही जाएंगे। अंडरस्टैंड? द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, द सन सेट्स इन द इवनिंग। द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन and sets in the west direction. The sun gives us heat and light. Suri humko kya deta hai? Heat and light. When the sun see, jab bhi hum sun dekhte hain, we have day. Hamesha day hota hai. Aisa to nahi ki kisi ne raat mein bhi sun dekh liya hai. Dekha ho to bata dena, maine to kabhi nahi dekha. It's just a day. After the sunset, we have night. और जब sunset हो जाता है, sunset में जब सूर्य डूब जाता है तो क्या हो जाता है? रात। अच्छा, आप बच्चों, आपको पता है, आप लोग सुनते हैं सूर्य सुबह निकलता है और फिर अपने घर चला जाता है, ऐसे होता है क्या? नहीं, sun fix रहता है, sun एक जगह पे fix है। हमारी जो अर्थ है, जो हम अर्थ planet पे रहते हैं, वो सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम घूम चक्कर लगाती है। अंडरस्टैंड? तो सूर्य कहीं नहीं जाता है, सूर्य अपनी जगह पे ही रहता है। सन इज ऑल्सो ए स्टार और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूमती रहती है और इस घूमने के ही कारण हमारा क्या होता है, इस मूवमेंट के कारण जो अर्थ हमारा, अर्थ का जो मूवमेंट है टू टाइप्स का होता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। ये आपकी बुक में नहीं है, मैं बस एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। द डे एंड नाइट इज कॉज ऑफ रोटेशन इज द सॉरी रोटेशन इज द कॉज ऑफ day and night and revolution is the cause of seasons। जो हमारी पृथ्वी है जहाँ पे हम रहते हैं, ये दो तरह से सूर्य की चक्कर लगाती है, टू टाइप्स के इसके मोशंस है। एक तो लाइक अ टॉप, एक ही जगह पे खड़ी होकर ऐसे 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 गोल गोल घूमती रहती है। तो इसके कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण हमारा डे एंड नाइट होता है। और एक क्या होता है, चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमारा सीजन होता है, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ये बस मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 58 एंड पुट योर इंडेक्स फिंगर। टुडे आवर टॉपिक इज सन। व्हाट इज आवर टॉपिक? सन। सन वी सी द सन इन द स्काई। ऑल ऑफ यू स्पीक अलोंग विद मी। वी सी the sun in the sky. The sun rises in the morning. It rises in the east. What is east? East is a direction. There are four main directions: east, west, north and south. The sun shines bright. It gives us light and heat. Who gives you light and heat? Sun. आपको सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है, गर्मी देती है। अर्थ के पास अपना
कोई लाइट नहीं है, अगर सन, इसीलिए जब सन हम नहीं देखते तो रात हो जाता है। ओके, इट लुक्स ओवर हेड एट नून, और जब दोपहर होती है तो सूर्य क्या होता है, ठीक हमारे ओवर हेड, सर के ऊपर होता है। द सन सेट्स इन इवनिंग, इट सेट्स इन द वेस्ट, और सन किस दिशा में डूबता है, वेस्ट। ओके, व्हेन द सन इज सीन वी हैव डे, जब भी आपको सन दिखेगा इसका मतलब ये हमारा कौन सा टाइम है, डे टाइम। आफ्टर द सनसेट वी हैव नाइट। ओके, नाउ लुक हियर, मैं आपको छोटी सी दिखा रही हूँ, सन राइजेस इन द मॉर्निंग, ये हमारा सन निकल रहा है। जब सन निकलता है क्या होता है, मॉर्निंग, और ये जब धीरे 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 एकदम ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सन हमारा है सुबह में, हमारा सन मॉर्निंग में निकलता है ना, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है, ये हमारा सुबह में सूर्य निकला है, देखा ना एकदम रेड कलर का सुबह सुबह भी एकदम ऑरेंज जैसा कलर, रेड कलर के सन रहते हैं। ओके, और ये फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो जब ये ऊपर जाते हैं ओवर हेड, तो ये कौन सा टाइम हो जाता है, नून, नून में ही क्या रहते हैं, ओवर हेड। ओके, और फिर सन सेट्स इन द इवनिंग, और इवनिंग के समय में हमारा सन क्या होता है, सेट हो जाता है। सन राइजेस इन द मॉर्निंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके, एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब कोई बोलेगा नहीं, ओके, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, आप बोलते हैं ना गुड आफ्टरनून दोपहर में, दोपहर में बोलते हैं ना, तो सन क्या होता है, जस्ट हमारे ओवरहेड होता है। ओके, वंस अगेन वी विल रिकॉल द चैप्टर और दिस टॉपिक, वी सी सन इज अ स्टार, व्हाट इज अ सन, सन इज अ ह्यूज स्टार, सन बहुत बड़ा स्टार है और ये हमसे बहुत दूर है। ओके, वी सी सन इन द डे, व्हेन वी सी सन इन द डे टाइम, व्हेन द सन सेट वी हैव डे, ये आप याद रखिएगा, व्हेन द सन सेट, जब भी आपको सन दिखेगा वो क्या होगा, डे, आफ्टर द सनसेट नाइट। ओके, जब भी हमको सन दिख रहा है तो ये क्या है, डे है, और जब सन चला जाएगा, जब तक सन निकलेगा नहीं, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, नाइट। अब यहाँ पे सन क्या है, सन चला गया, फिर जब सुबह हो जाएगी, फिर ये कैसे होता है, ओके, ये डे और ये नाइट, नाइट में क्या रहता है, डार्क, अंधेरा। ओके, द सन शाइन्स ब्राइट, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन इन द इवनिंग। ओके, एंड व्हेन द सन इज जस्ट ओवरहेड इट इज नून, डोंट फॉरगेट, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, हु गिव्स यू हीट एंड लाइट, सन। ओके, व्हेन द सन इज सेट इट इज डे, एंड आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट नाइट। ओके, ऑल ऑफ यू रीड टॉपिक द सन फ्रॉम योर बुक, इट इज योर होमवर्क, नाउ इट्स टाइम टू लीव, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।